आरजेडी का मतलब मालूम है क्या है? आर का मतलब हुआ रिश्वतखोर राष्ट्र विरोधी, जे का मतलब हुआ जंगल राज, और डी का मतलब जितना हेलीकॉप्टर की मौज करनी है कर लो, समय आएगा जब तुम्हारी जगह जेल के अंदर होगी, जेल के अंदर होगी। ये लालू का लालटेन युग याद है ना? याद है? आरजेडी का मतलब मालूम है क्या है? आर का मतलब हुआ रिश्वतखोर राष्ट्र विरोधी, जे का मतलब हुआ जंगल राज, और डी का मतलब हुआ दल दल। ये राष्ट्र विरोधी, रिश्वतखोरी, जंगल राज, दल दल है। बोलो, ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओगे क्या? बढ़ाओगे? माले के दिन लाने हैं क्या? याद है ना? बताओ भैया, याद है? दिन दहाड़े आना आना मुश्किल था, 4 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, याद है? और याद है खेत पर झंडा गाड़ दिया जाता था, याद है? खेत पर झंडा गाड़ देते थे और जमीन गई आपकी, होता था कि नहीं होता था? कत्ल होते थे कि नहीं होते थे? गुंडा राज था कि नहीं था? जंगल राज था कि नहीं था? और 2003 में लठिया भाजन तेल पिलावन रैली कराई थी कि नहीं कराई थी? लाठी क्यों लेके आए थे? बिहार की जनता को डराने के लिए, बिहार की जनता को डराने के लिए। ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने पिता के कारनामे, इसको क्या मालूम 20 साल पहले क्या हुआ है, ये क्या जाने? ये तो मटन बनाना सिखा रहे हैं, कोई मटन खाना सिखा रहे हैं, कोई मछली बनाना सिखा रहे हैं, और वो भी जमीन पर नहीं, हवा में। देखो इनकी अय्याशी, देखो इनकी मौज मस्ती, इनको लाना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, दिल्ली तक मैं जाऊंगा, आवाज आपकी आनी चाहिए। ऐसे लोगों को लाना है क्या? ये ऐसे लोग हैं जो लालू जी जानते हैं क्या बोलते थे, सड़क काहे को चाहिए, सड़क सड़क आ जाएगी तो पुलिस पहुंच जाएगी। क्या क्या अंधेर गर्दी मचा रखी क्या? और ये 10 लाख नौकरी देगा? अरे पहले पिता के कारनामों का पश्चाताप करो, पिता के कारनामों का पश्चाताप करो। और ये इनको अपनी जाति की भी चिंता नहीं है, याद रखना, इन्होंने कोई जाति के लिए कोई काम नहीं किया, इन्होंने काम किया तो परिवार के लिए काम किया, सिर्फ परिवार के लिए काम किया। लालू के बाद रावड़ी, रावड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, तेज प्रताप के बाद मीसा, मीसा के बाद रुकमणी, फिर आगे आने वाले लोग और होंगे परिवार के। आप कहां आते हो इनके इनके नक्शे में? आप कहां आते हो? और ऐसे लोगों को लाओगे क्या? ये लोगों को घर बैठाने की जरूरत है। अच्छा मैं पूछता हूं, बोलो ये लालू यादव की पार्टी माले को पुचकार रही है कि नहीं पुचकार रही है, पोस रही है कि नहीं पोस रही है? ये वही अंधेरे दिन को लाने की साजिश है कि नहीं है? ये विकास को रोकने का तरीका है कि नहीं है? ये लेवी लेने का तरीका है कि नहीं है? ये रंगदारी टैक्स लेने का तरीका है कि नहीं है? मित्रों, इनको घर बैठाना बहुत जरूरी है, और राजकुमार जी को दिल्ली भेजना देश की आवश्यकता है, प्रदेश की आवश्यकता है, इलाके की आवश्यकता है, इसको आपको याद रखिए। ये जो इंडिया अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है। बोलो कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? पंडुबी घोटाला किया कि नहीं किया? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर का, जरा जोर से बोलो, 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज पार्टियां हैं। बताओ लालू ने चारा खाया कि नहीं खाया? दोनों बारे अलकतरा खाया कि नहीं खाया? और जमीन के जगह पर नौकरी, नौकरी के जगह पर जमीन खाई कि नहीं खाई? ये बेल पर है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो, और मोदी जी ने कह रखा है कि
कि जितना घूमना है घूम लो, जितना हेलीकॉप्टर की मौज करनी है कर लो, समय आएगा जब तुम्हारी जगह जेल के अंदर होगी, जेल के अंदर होगी।